हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले फैंस एपिसोड 7 के बारे में, जहां पे मैं आप लोग के काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को अपडेट देना चाहता हूं कि जो भी फैंस बेंटन की न्यू सीरीज का वेट कर रहे थे, तो उनको मैं बता दूं कि बेंटन क्लासिक के जो एपिसोड थे वो दोबारा से टीवी पे रिलीज किए जाएंगे और वो कल की डेट के बाद हमें डेली मंडे टू फ्राइडे देखने को मिलेंगे, जिसकी टाइमिंग के बारे में मैंने पुरानी वीडियो में बताया था। तो कल से आप लोग बेंटन क्लासिक के पुराने वाले एपिसोड टीवी पे भी देख पाओगे। तो अब बढ़ते हैं हमारी इस वीडियो की तरफ, जहाँ पे मैंने आप लोग के काफी सारे क्वेश्चंस को पिक किया, जिनके आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर वीडियो का लाइक हम डिसाइड कर लेते हैं, जो कि 1000 लाइक एंड 150 कमेंट। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस लाइक हमको इजीली कंप्लीट करा दोगे, क्योंकि स्मॉल सा टारगेट है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस ऑसम वीडियो को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या रिकैलिब्रेटेड ओमेट्रिक्स नालजेन के डीएनए को स्कैन कर सकते या नहीं? तो गाइस, आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने बेंटन एलियन फोर्स वाली ओमेट्रिक्स को देखा है, जिसे आप लोग रिकैलिब्रेटेड ओमेट्रिक्स के नाम से जानते हो, क्योंकि वो पहले प्रोटोटाइप ओमेट्रिक्स थी जो कि बाद में रिकैलिब्रेट हो गई थी, और नालजेन की अपीयरेंस भी हमें बेंटन एलियन फोर्स में ही देखने को मिली थी, जहां पे बेन के पास रिकैलिब्रेटेड ओमेट्रिक्स पहले से मौजूद थी, लेकिन उसके बाद भी नालजेन के डीएनए को ओमेट्रिक्स ने स्कैन नहीं किया था। और ये चीज कंफर्म भी नहीं है कि एजमेथ को भी नालजेन्स के बारे में पता है या नहीं, क्योंकि नालजेन्स की जो स्पीशीज है उनके बारे में काफी कम लोगों को पता है। और यहाँ पे बेंटन की रिकैलिब्रेटेड ओमेट्रिक्स ने उस एपिसोड में नालजेन के डीएनए को बिल्कुल भी स्कैन नहीं किया था। हो सकता है कि बेंटन की ओमेट्रिक्स में उसका डीएनए पहले से मौजूद हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नालजेन के डीएनए को ओमेट्रिक्स स्कैन ही नहीं कर सकती। इसके बाद इन दोनों में से कौन विनर है विदाउट इन्फिनिटी स्टोन, थैनोस वर्सेस बिल गेट्स? आप लोग को बता दूं गाइस, इस टॉपिक में मैंने पहले से एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके वो वीडियो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे हमसे पूछा गया एस्कलोन की पावर के बारे में और एस्कलोन को यूज कैसे करते हैं, और इसके अलावा क्या बैन को एस्कलोन की पूरी नॉलेज थी या नहीं, तो इसका आंसर मैं नो में देना चाहूंगा। जब बैन ने एस्कलोन का यूज किया था उस टाइम पे उसको यूज करना आता था, लेकिन उसकी फुल पावर को यूज करना बैन के बस की बात नहीं थी। और अगर एस्कलोन की नॉलेज की बात करें तो बैन को एस्कलोन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, हालांकि उसने यूज करना मौके पे सीखा था जब उसकी बैटल बिल गेट्स के साथ हो रही थी। तो यहाँ पे ये बोलना कि बैन को एस्कलोन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी है, ये काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बैन को एस्कलोन के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं है। तो ऐसे में ये नहीं बोला जा सकता कि बैन के पास एस्कलोन की फुल नॉलेज है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एलिनेक्स को कोई पावरफुल कैरेक्टर कंट्रोल कर सकता है या नहीं, जैसे कि माइंड को कंट्रोल किया जाता है? वैसे यहाँ पे पूछा गया है, क्या एलिनेक्स के माइंड को कोई कंट्रोल करके उसकी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है या नहीं? देखो, इसका आंसर मैं सिंपली नो में देना चाहूंगा, क्योंकि एलिनेक्स कोई एक पर्सनालिटी तो है नहीं कि उसे कंट्रोल किया जाए। यहाँ पे तीन पर्सनालिटीज है, सेरेना और वेलिकस और बैन, ये तीनों जब एग्री होते हैं एक बात पे, उसके बाद ही एलिनेक्स की फुल पावर का यूज किया जा सकता है। और बेंटन के यूनिवर्स में ऐसा कोई भी पावरफुल कैरेक्टर नहीं है जो कि एलिनेक्स के माइंड को कंट्रोल कर पाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बेन डैगन को डिफीट कर सकता है एलिनेक्स का यूज करके? तो इसका आंसर मैं सिंपली यस में देना चाहूंगा, हालांकि डैगन के पास काफी ज्यादा पावर थी, लेकिन फिर भी गाइस, एलिनेक्स बेंटन यूनिवर्स का अब तक का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, और अगर इन दोनों के बीच बैटल होती है तो एलिनेक्स डैगन को कुछ ही सेकंडों में हराने की कैपेबिलिटी रखता है, क्योंकि डैगन और एलिनेक्स में एलिनेक्स का पावर लेवल काफी ज्यादा है। यहाँ पे एटॉमिक एक्स भी अपनी पावर का यूज करके डैगन को हरा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्रोनोसेपियन टाइम बम डायमंड को भी इरेज कर सकते या नहीं? तो इस वाले क्वेश्चन पे मैं चाहता हूँ कि एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊं, क्योंकि बेंटन यूनिवर्स में हमें ये चीज बताई गई है कि डायमंड की तो कोई एज नहीं होती, तो यहाँ पे क्या क्रोनोसेपियन टाइम बम, जो कि रियलिटी से हर एक बैन को रिमूव कर चुका था, क्या वो डायमंड को भी रिमूव कर पाता या नहीं? तो इस टॉपिक पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, क्योंकि वो वीडियो कभी भी अपलोड हो सकती है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि बेंटन एलियन एक्सटिंक्शन मूवी में हमें सारे के सारे बैन देखने को मिले थे, और वहाँ पे बेंटन ओमनिवर्स वाला बैन भी था, लेकिन उसके बाद भी हमें रुक वहाँ पे क्यों नहीं देखने को मिला? तो मैं आपको सिंपली बता दूं कि ये वाली जो मूवी है वो बेंटन रिबूट की मूवी थी, तो यहाँ पे बैन को इंट्रोड्यूस कराना था, ना कि रुक को। तो यहाँ पे साइड कैरेक्टर्स को ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया था, यहाँ पे सिर्फ ग्रैंडपा मैक्स देखने को मिले थे, तो इसका कोई बड़ा रीजन नहीं है रुक को ना इंट्रोड्यूस कराने का, क्योंकि सिर्फ हमें वहाँ पे बैन से ही देखने को मिलने वाले थे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस प्रोफेसर पैराडॉक्स। देखो, दोनों के पास टाइम की अच्छी खासी नॉलेज है, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहले टाइम स्टोन था, हालांकि अब वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम के
बारे में अभी भी जानते हैं और काफी सारे स्पेल्स का यूज करके वो टाइम में ट्रेवल कर सकते हैं। वहीं पे प्रोफेसर पैराडॉक्स तो टाइम में ट्रेवल करते ही है और उनके पास टाइम पावर्स है, लेकिन अगर बात कर ली जाए कि इन दोनों में बैटल होती है तो विनर कौन होगा, तो मैं इजिली डॉक्टर स्ट्रेंज को पिक करना चाहूंगा क्योंकि वो इन दोनों में काफी ज्यादा पावरफुल है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एनआरजी वर्सेस एनाडाइट। देखो एनआरजी के पास काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर उसकी बैटल एनाडाइट के साथ होती है तो इजिली मैं एनाडाइट को पिक करना चाहूंगा क्योंकि उनका जो पावर लेवल है वो काफी ज्यादा है और बेंटन यूनिवर्स में एनाडाइट एक पावरफुल कैरेक्टर है, तो इन दोनों में से मैं इजिली एनाडाइट को पिक करना चाहूंगा। तो ये थे आज के हमारी Q&A वीडियो के क्वेश्चंस। आपका क्वेश्चन इस वीडियो में पिक हुआ है नहीं कमेंट करके मुझे बताना, और अगर आप लोग का जो क्वेश्चन है वो पिक नहीं हो पाया तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में पिक कर लूंगा। नीचे आप लोग कमेंट करके बता देना और आपके माइंड में जो भी डाउट है वो कमेंट में लिख देना। तो आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो चलिए गाइस, मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पहले अपलोड की गई सारी वीडियोस देख लेना, वो काफी ज्यादा ऑसम है, एक बार चेकआउट जरूर करना।